हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में सीखेंगे एमएस पेंट। एमएस का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, और पेंट हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में ड्राइंग बनाना हो तो आसानी से हम बना सकते हैं। तो पेंट में काम करने के लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देखना है एसेसरीज, एसेसरीज पर क्लिक करना है। इसी के अंदर यहाँ पर मिलेगा आपको पेंट, पेंट पे क्लिक करना है। पेंट हमारा ओपन हो गया। पेंट के अंदर यहाँ पर जो टॉप में एरिया है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। जब भी हम पेंट में काम करते हैं तो काम करने के बाद जिस नाम से हम पेज को सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज का नाम दिखा देता है। यहाँ पे जो कोने का एरिया है इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नाम दिखाएगा क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर तीन बटन दिए हुए हैं, इसे बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जब भी आप पेंट ओपन करते हैं तो पेंट आपका कुछ इस टाइप से दिखा देता है। तो ये हमारा छोटा है तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करना है। पेंट को बंद करने के लिए यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे तीन ऑप्शन है। पहले वाले ऑप्शन को हम पेंट बटन बोलते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है होम व्यू, इसे बोलते हैं टैब। होम टैब, व्यू टैब। होम टैब के अंदर यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स ग्रुप। और व्यू टैब में यहाँ पे भी ग्रुप बने हुए हैं, जूम ग्रुप, शो हाइड ग्रुप और डिस्प्ले ग्रुप। तो सबसे पहले होम टैब के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में जो पहला ऑप्शन है इसे बोलते हैं पेंसिल। जब आप किसी भी टूल्स के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो उसका नाम दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है पेंसिल। इसका यूज करने के लिए माउस से आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर ड्राइंग वाले पेज में आकर के माउस से आपको लेफ्ट बटन दबा कर रखना पड़ता है और माउस को खींचना है। तो इस तरीके से आप पेंसिल का यूज करते हैं। पेंट के अंदर कोई भी काम करते हैं तो उसे इरेज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इरेजर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और माउस को आपको खींचना होता है। तो इस तरीके से आप इरेजर का यूज करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इरेजर काफ़ी छोटा है तो मिटाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसे बड़ा करने के लिए कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बड़ा हो गया। छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबाना है। तो आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वाले लाइनों को मिटा दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है शेप्स ग्रुप। यहाँ पर जितने भी शेप दिए हुए हैं इनका यूज करने के लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको माउस से लेफ्ट बटन दबा करके और माउस को खींचना होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप को आप बना सकते हैं। शेप ग्रुप के अंदर यहाँ पे दो शेप ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दिया हुआ कर्व, इस पर क्लिक करके जब भी आप इसका यूज करते हैं तो इसके थ्री स्टेप होते हैं। जैसे देखिए वन, और यहाँ पे इसमें आपको दो बार और चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया टू और ये दे दिया हमने थ्री। तो इसका यूज करके आप जैसे चाहे वैसे शेप बना सकते हैं। जैसे देखिए वन, टू और थ्री। तो जब भी आप पेंट के अंदर कर्व का यूज करते हैं तो उसके थ्री स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीगॉन टूल, इस पर क्लिक करके जब आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो इस तरीके से आप आगे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपकी चलती जाएगी। और इसे बंद करने के लिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आपको दोबारा से क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेप ग्रुप का यूज करते हैं। पेंट के अंदर कोई भी काम करने के बाद कलर करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फिल विथ कलर, इस पर क्लिक करके जो भी कलर लेना है उस पर क्लिक करना है और जहाँ भी चाहिए वहाँ पे जा करके माउस से लेफ्ट बटन दबाना होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप में कलर डाल सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर पेंसिल, इरेजर और फिल विथ कलर का टूल यूज कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ब्रूस। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैंने एक शेप बना लिया, अगर आप यहाँ पे कलर टूल लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से आपने यहाँ पे कलर डाल दिया तो किसी भी शेप में कलर डालने के बाद या कलर डालने से पहले कोई इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए हम ब्रूस वाले टूल का यूज करते हैं। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी ब्रूस दिए हुए हैं सबका काम अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मैंने एयर ब्रूस ले लिया और यहाँ पे दिया हुआ साइज, साइज पे जा करके यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स,
मैंने यहाँ पे ले लिया येलो कलर। अब मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो किसी भी शेप में कोई भी इफेक्ट डालना हो तो आप इस तरीके से आप ब्रश का यूज करते हैं। यहाँ पे जितने भी ब्रश दिए हुए हैं सबका काम अलग अलग है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर पिंक कलर ले लिया, अब यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करता हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा दूसरा ब्रश है। तो इस तरीके से हम ब्रश वाले टूल का यूज करते हैं। अब मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इरेजर पे क्लिक किया और देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ इस तरीके से, तो इरेज करने में काफी टाइम लगेगा। हम चाहते हैं यहाँ पे पेंट में जितना भी काम किया हुआ है सभी को एक बार में इरेज करना है। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट में क्लिक करके और यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। फिर दोबारा से सिलेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिलीट। तो इस तरीके से पेंट के अंदर जो भी आपने काम किया हुआ है सभी को एक बार में डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट टूल, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड से कोई भी नाम लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने MS पेंट, ये देखिए। और इसमें भी आप कलर कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कीबोर्ड से आपको नाम लिखना हो तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीफायर, मैग्नीफायर का यूज करके किसी भी ड्राइंग को जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। मैग्नीफायर का यूज करने के लिए इस पर क्लिक करके और जूम इन करने के लिए माउस से लेफ्ट बटन दबाना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर जा करके माउस से लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ, ये हमारा जूम इन हो गया। दोबारा से छोटा करने के लिए या जूम आउट करने के लिए माउस से आपको राइट क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको यहाँ पर मैग्नीफायर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर दिया हुआ है कलर पिकर, कलर पिकर का यूज करके हम किसी भी शेप का कलर किसी दूसरे शेप में डाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दो तीन शेप बना लिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर फिल विद कलर का यूज करके यहाँ पे मैं दो शेप में अलग अलग कलर डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें अलग अलग कलर डाल दिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो पिंक कलर है ये कलर मुझे इस वाले शेप में डालना है। किसी भी एक शेप से कलर कॉपी करके किसी दूसरे शेप में डालना हो तो उसके लिए हम कलर पिकर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर पिकर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कलर पे क्लिक किया और जहाँ पे आपको कलर चाहिए उसमें जाके आपको क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से आप कलर कॉपी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे इस वाले कलर को कॉपी करके मुझे इस शेप में डालना है, तो यहाँ पे मैंने कलर पिकर पे क्लिक किया और यहाँ से कलर कॉपी करके और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी शेप से दूसरे शेप में कलर कॉपी कर सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, टूल्स ग्रुप, शेप्स ग्रुप और कलर्स ग्रुप का यूज हम पेंट में कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्रोप, क्रोप का यूज किसी भी शेप को काट के अलग से दिखाना हो तो उसके लिए हम क्रोप का यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीन ऑप्शन और यहाँ पे तीन ऑप्शन, इन सभी का यूज करने के लिए यहाँ पे हमें सिलेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्रोप का यूज करने के लिए सिलेक्ट में जाना है और यहाँ पे ले लिया मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसे मुझे अलग से दिखाने के लिए जैसे मैं क्रोप पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए जितने भी शेप थे सारे हट चुके हैं, ये शेप हमारा अलग से आ गया। तो इस तरीके से हम क्रोप का यूज करते हैं। दोबारा से बैक आने के लिए यहाँ पे आपको अंडू पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप वापस से बैक जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रीसाइज, किसी भी शेप को छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए हम रीसाइज का यूज करते हैं। यूज करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट पे जाना है और जिसे भी छोटा बड़ा करना है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर रीसाइज पे क्लिक करके और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज, अभी यहाँ पर 100% है। अगर आप चाहते हैं इसे 50% छोटा करना है तो 100 की जगह पर यहाँ पे डाल दिया मैंने जैसे 50 और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो इस तरीके से आप शेप को छोटा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी शेप का विड्थ कम करना है, हाइट नहीं, तो यहाँ पे आपको पहले शेप को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर रीसाइज पे क्लिक करना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, ये हमारा विड्थ है, और यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल, ये हमारा हाइट है। यहाँ पे हम एक में चेंज करेंगे तो दोनों में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो दोनों में अलग अलग चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर मेंटेन एक्सपेक्ट रेटियो, इस पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे विड्थ कम कर सकते हैं, यहाँ कर दिया मैंने 50%, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो
तो यहाँ पे सिर्फ विड्थ कम हुई, हाइट नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है रोटेट, किसी भी शेप को घुमाना हो, रोटेट करना हो तो उसके लिए हम रोटेट का यूज करते हैं। यूज करने के लिए पहले उसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ रोटेट में जा करके यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने 90 डिग्री पे, ये देखिए। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से इस पर क्लिक किया तो ये दोबारा वैसे ही हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसका यूज कैसे करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ, ये देखिए। ये हमारा एक एरो का शेप है जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे इस शेप को ऊपर से नीचे दिखाना हो तो यहाँ पर रोटेट पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करना आपको वर्टिकल पे, किसी भी शेप को उल्टा करने के लिए यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ पे मैंने इस वाले शेप को ऐसा बना लिया, ये हमारा राइट की ओर है तो इसे मुझे लेफ्ट की ओर दिखाना हो तो यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा राइट से लेफ्ट की ओर हो गया। तो किसी भी शेप को राइट से लेफ्ट करना हो तो उसके लिए हमें फ्लिप हॉरिजॉन्टल का यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम रोटेट का यूज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कट, कॉपी और पेस्ट, इसका यूज करने के लिए यहाँ पे मैं और भी शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस वाले शेप पे क्लिक किया और यहाँ पे इसे ड्रैग कर दिया। फिर मैंने इस वाले शेप पे क्लिक किया और यहाँ पे इसे ड्रैग कर दिया। यहाँ पे इन सभी में अलग अलग कलर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ले लिया मैंने फिल विद कलर, और यहाँ पे कलर ले करके इन सभी मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिया, ये देखिए इन सभी मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया। अब यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट का यूज करने के लिए सबसे पहले शेप को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट में जा करके यहाँ पर ले लिया मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैंने इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इस वाले शेप को यहाँ से हटा करके मुझे इसे यहाँ पर लाना है। तो किसी भी शेप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ों का यूज करना पड़ता है, कट और पेस्ट। जैसे यहाँ पे मैंने कट पे क्लिक कर दिया, ये देखिए ये शेप यहाँ से हमारा हट चुका है, और जहाँ भी चाहिए वहाँ पे क्लिक करके और फिर आपको पेस्ट पे क्लिक करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी, किसी भी शेप का डुप्लीकेट कॉपी करना हो तो उसके लिए हम कॉपी का यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट। तो यूज करने के लिए सबसे पहले शेप को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन पे क्लिक कर दिया, और देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ ये जो शेप है यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और कॉपी पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करके इस शेप को जहाँ भी ले जाना है वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कट, कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे सिलेक्ट, किसी भी शेप को पेंट के अंदर कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इस पे क्लिक करके जब आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन के आता है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस तरीके से आप किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए अपने तरीके से, इसे बोलते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन। दोनों में अंतर क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्लैक कलर ले करके यहाँ पे मैंने एक शेप बना लिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसमें मैं कलर डाल देता हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले करके और इस वाले शेप को मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो स्क्वायर बन के आ रहा है तो देखिए फ्रेंड्स, इस शेप के साथ में ये भी शेप हमारा सिलेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैं इस वाले शेप को उठा करके यहाँ ले जाता हूँ तो ये भी शेप हमारा यहाँ पे कट के आ गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से अंडू कर देता हूँ सही करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ इस वाले शेप को सिलेक्ट करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको लेकर के आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे चला सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बचा बचा करके आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ पे इसे कहीं भी ले जाते हैं तो सिर्फ वही शेप आपका आगे पीछे जाएगा, ये देखिए। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों सेक्शन में क्या अंतर है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके, और इसे डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्शन में जा करके और डिलीट पे क्लिक करना होता है। दोबारा से वापस लाने के लिए यहाँ पे आपको अंडू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इनवर्स सिलेक्शन, इसका यूज करने के लिए किसी भी एक शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे मैंने इस वाले शेप को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ इस वाले शेप को छोड़ करके यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बाहर में दिखाई दे रही है सभी को मुझे इरेज करना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट में जा करके यहाँ पे आपको इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है, और जब आप सेलेक्ट में जा करके जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस शेप को छोड़ करके बाहर में जितने भी शेप दिए हुए थे सभी डिलीट हो गए। तो इस तरीके से हम इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इसका यूज कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से अंडू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले करके और यहाँ पे मैंने इस वाले शेप को सिलेक्ट किया, और जब मैं इसको उठा के यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जिस शेप को हम उठा के ला रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे जो व्हाइट कलर है वो भी हमारा साथ में आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये जो व्हाइट कलर है ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शेप को आगे पीछे करना है। तो आप यहाँ पर इस वाले बैकग्राउंड को हटाने के लिए सिलेक्ट पे क्लिक करना है और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हमारा बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है व्यू टैब, इस पर क्लिक करके यहाँ पर पहला ऑप्शन है जूम ग्रुप, इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है जूम इन। अपने ड्राइंग पेज को बड़ा करके देखना हो, जूम करके देखना हो, तो यहाँ पे आपको जूम इन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर शेप को आगे पीछे करके देखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, ये देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल स्लाइडर, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोबारा से छोटा करने के लिए जूम आउट पे क्लिक करना है। तो ये हमारा जूम आउट हो गया। कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा करने पर एक्चुअल साइज में लाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 100%, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही जैसे पहले था वैसे ही आपको फिर दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर होम टैब में क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट में चला गया, और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके और फिर दोबारा इसी में जा करके और यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अब रूलर्स, रूलर्स का यूज कैसे करते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं स्केल। ड्राइंग पेज में स्केल लाने के लिए यहाँ पे हम रूलर्स का यूज करते हैं। इसका यूज करके आप कोई भी शेप का मेजरमेंट करके आसानी से कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 इंच 2 इंच 3 इंच, मुझे यहाँ पर 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई का एक शेप चाहिए, एक स्क्वायर में शेप बनाना है। तो यहाँ ले लिया मैंने रेक्टेंगुलर शेप, और यहाँ पे 0 पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी 2 इंच चौड़ाई हो गई और यहाँ पर ये 2 इंच लंबाई हो गई। इस वाले शेप में एग्जैक्ट 2 इंच की चौड़ाई है और 2 इंच की लंबाई है। तो किसी भी शेप को मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर व्यू टैब में रूलर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ग्रिड लाइन से, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप ग्रिड लाइन ला सकते हैं। आप यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट कोई भी शेप बना हो तो यहाँ पे आप पॉइंट बाय पॉइंट मिला करके बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटस बार, मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। इसका यूज जो भी हमारा ड्राइंग पेज है इसकी विड्थ और हाइट कितनी है यहाँ पे आपको इसका स्टेटस दिखाता है, ये देखिए। और आप कितने परसेंट जूम पे काम कर रहे हैं ये देखिए, ये हमारा दिखा रहा है यहाँ पे 100% पे अभी हम काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपका पेज का स्टेटस है यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे इसका यूज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके रखना पड़ता है। और जो भी आपका ड्राइंग पेज है इसको आपको पूरा फुल स्क्रीन में देखना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फुल।